लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं वर्ब का पार्ट फोर। पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री अपन वर्ब का दे चुके हैं और इसमें अपन ने देखा है कि कैसे वर्ब को फाइंड आउट करते हैं और कैसे उसके पीछे आईएनजी और ईडी लगा के देखते हैं कि कैसे ये एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो ऐसा भी वर्ड अगर आईएनजी और ईडी एक्सेप्ट करता है तो वो वर्ब है, अदरवाइज वो वर्ब नहीं होगा। वर्ब नहीं होगा तो यानी नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और इन दोनों को मैंने पहचान करना आपको बता दिया है कि कैसे नाउन और एडजेक्टिव को फाइंड आउट करते हैं। नाउन के लिए अपन तुम्हारा या तुम्हारी लगा के देखते हैं और एडजेक्टिव के लिए हम तुम गोडो तुम बेडो करके देखते हैं। साथ में एक और मेथड है एडजेक्टिव के लिए, स्टिकर मेथड, जिसे कॉन्फिडेंट बॉय, उसके बाद नाउन के आगे अगर अपन एडजेक्टिव लगा दें अगर वो सह बैठ रहा है तो वो एडजेक्टिव होता है। जैसे कॉन्फिडेंट का पता करना है तो वर्ब नाउन के आगे लगा दो इसको, बॉय एक नाउन है उसके आगे लगाया कॉन्फिडेंट बॉय, तो ये क्या हो जाएगा एकदम सही बैठ रहा था, यानी कि कॉन्फिडेंट क्या हो जाएगा कि एडजेक्टिव हो जाएगा। और तुम्हारा तुम गुड हो तुम बेड हो करके देखते, तुम गुड हो तुम बेड हो तुम कॉन्फिडेंट हो, ऐसे भी एक एडजेक्टिव को अपन देख सकते हैं। वर्ब में अपन देख रहे थे कि कैसे नाउन से और एडजेक्टिव से वर्ब बनाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 99.99% जो भी वर्ड है वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, सारे सारे लिंक। जैसे पॉपुलर है, पॉपुलर का जो एडजेक्टिव है पॉपुलर एडजेक्टिव, इसकी नाउन क्या बन जाएगी पॉपुलरिटी, तुम्हारी पॉपुलरिटी, इसकी वर्ब क्या बन जाएगी पॉपुलराइज, तो ऐसे सब लिंक होते हैं। तो अपन को बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि कैसे ये लिंक होते हैं, ठीक है। वर्ब को कंटिन्यू करते हैं। वर्ब का पहला वर्ड है रिसेशन, रिसेशन यानी मंदी, ये एक नाउन है, जैसे तुम्हारी मंदी है ना, ये हो जाएगा नाउन। इसका वर्ब क्या बनेगी रिसीड, रिसीड यानी लेवल का कम होना, घटना, ठीक है, इसकी वर्ब हो जाएगी। अगला वर्ड है एंग्री, एंग्री क्या है एक एडजेक्टिव है। कैसे पता चला, तुम घोड़ो तुम बेड़ा लगाओ, तुम घोड़ो तुम बेड़ो तुम एंग्री हो, सही बैठ रहा है ना, ऐसे भी सही बैठ गया। स्टिकर मेथड लगा के देख लो, एंग्री बॉय, बॉय एक नाउन है उसके आगे एंग्री लगाया तो एडजेक्टिव होगा, तो एडजेक्टिव, इसकी वर्ब क्या बनेगी एंगर। इसकी जो वर्ब है और नाउन है दोनों एक ही है, क्रोध यानी एडजेक्टिव, वो भी क्रोध यानी गुस्सा जो कि नाउन है, और जो क्रोधित करना यानी कि वर्ब होता है वो भी एंगर ही होता है, यानी वर्ब और नाउन दोनों एंगर होता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्ट, एक्ट एक नाउन है, कानून, एक्ट यानी कानून, तुम्हारा कानून नाउन है, इसकी वर्ब क्या बनेगी इनेक्ट, कानूनी रूप देना, कानूनी रूप देना, ये क्या हो जाएगी वर्ब हो जाएगी इनेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं लॉस, हानि, ये नाउन हो जाएगी तुम्हारी हानि, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ बता भी रहा हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं नाउन को, तुम्हारी हानि नाउन हो गई, इसकी वर्ब बनाएंगे लॉस, एल ओ एस ई, लॉस वर्ब हो जाएगी खो देना। एग्जाम्पल देखते हैं, वो आगे देखेंगे अभी, चलो एग्जाम्पल नहीं देखते हैं, एल ओ एस ई लॉस यानी खो देना, ठीक है। एक और वर्ड है लूज, एल डबल ओ एस ई, लूज, नॉर्मल बोलते हैं ना यार लूज शर्ट है ये मेरे, लूज शर्ट, लूज शर्ट, तो लूज क्या है एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि शर्ट की विशेषता बता रहे हैं ना, नाउन के आगे लगा दिया लूज को, लूज शर्ट, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। और इसकी वर्ब क्या बनेगी लूजन, एल डब्ल ओ एस ई एन, लूजन यानी ढीला करना, अपन लूजन करवाने जाते हैं पेंट को, ना कि लूज, है ना, जब शर्ट को लूज करवाते हैं या कुछ भी कराते हैं तो वर्ब क्या हो जाएगी लूजन, और उस एडजेक्टिव क्या हो जाएगा इसका लूज। अगला वर्ड है इम्फेसाइज, इम्फेसाइज एक नाउन है, ठीक है, और इसकी वर्ब क्या बनेगी इम्फेसाइसिस, ठीक है, समझाने के लिए जोर डालना, ये हो जाएगी वर्ब, इम्फेसिस तो हो जाएगा नाउन और इम्फेसाइज हो जाएगी इसकी वर्ब, इसका मतलब क्या था समझाने के लिए जोर डालना, ये हो जाएगी इसकी वर्ब। अगला वर्ड है लेजिस्लेचर, ये हो जाएगा नाउन कानून, और इसकी वर्ब क्या बनेगी लेजिस्लेट, कानून बनाना, इसकी वर्ब बन जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हॉट, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, कैसे पता चला, हॉट वाटर, हॉट टी, हॉट कॉफी, नाउन का आगे लगा के देख रहा हूँ स्टिकर मेथड से, तो एडजेक्टिव पता चल रहा है, इसकी वर्ब क्या बनेगी हीट, हीट करना यानी गर्म करना, रूम, रूम को गर्म करना, हीट करना, रूम को हीट करो, क्या नहीं हीट क्या हो जाएगी वर्ब हो जाएगी इसकी। अब ये वर्ड है देखो पॉपुलर एडजेक्टिव, पॉपुलरिटी नाउन, पॉपुलराइज वर्ब हो जाएगी,
पॉपुलर एडजेक्टिव किससे पता चला? तुम घोड़ो, तुम बैठो, तुम पॉपुलर हो, पता चल गया। पॉपुलरिटी, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी पॉपुलरिटी। चल रहा है, देखो कितना आसानी है समझने में, कितना अच्छे से सब पता चल रहा है। अब इसमें इन दोनों में आई एन जी रेडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या इनके वर्ब नहीं है, तो वर्ब के लिए इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉपुलराइज, इसमें वर्ब में आई एन जी रेडी दोनों से कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, पॉपुलराइज्ड ई डी लग रहा है, तो वर्ब हो जाएगी। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल है, देखो इंडिया में लूज द मैच, लूज या लोज, लोज या लूज, क्या आएगा यहाँ पे? ये लूज जो है तो एडजेक्टिव है, अरे मैं क्या है, हेल्प मॉडल है, मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ वर्ब आती है। अब जो ये तो एडजेक्टिव, ये तो नहीं आ सकता क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, लूज तो नहीं आ सकता। बच्चा क्या, लॉस, लॉस यानी खो देना, तो ये वर्ब है तो यही आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि खो देना यानी वर्ब की जरूरत है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एल ओ एस ही आएगा वर्ब, ना कि एडजेक्टिव। अब ये है अ लूज टी शर्ट, अब यहाँ पे अगर मैं लॉस डाल देता तो यहाँ पे वर्ब की जरूरत थोड़ी ना है, यहाँ पे तो अपन को टी शर्ट की विशेषता बताता है, कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तो एडजेक्टिव की जरूरत है, तो यहाँ पे लूज एकदम सही है, समझे। नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हो, जो कि यहाँ ऑलरेडी है, यानी कि ये सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लीज लूज योर हैंड, वो डॉक्टर के पास गए अपन, उसने उसको इंजेक्शन या बोतल वोटल चढ़ाना था, तो डॉक्टर ने बोला प्लीज लूज योर हैंड, है ना, तो ये वाला लूज आएगा या ये वाला लूज आएगा, ये वाला लूजन आएगा। अब ये तो कन्फर्म में ढीला करने को बोला है, ठीक है, तो ढीला करने को बोला है, तो ढीला करने वाले दो ही वर्ड है यहाँ पे, या तो ये वाला, ये तो खो देना होता है, एल ओ एस यानी खो देना होता है, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। बचे ये दोनों, अब इन दोनों में से भी ये एल ओ एस ई, ये क्या होता है, लूज, ये तो एडजेक्टिव होता है ना, लूज शर्ट, लूज पेंट, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत थोड़ी ना अपन को, यहाँ पे तो अपन को नाउन की जरूरत है, तो एल ओ एस ई लूज की नाउन क्या, वर्ब क्या बनेगी, लूजन, वर्ब की जरूरत है, तो लूजन यहाँ पे सही है, लूज यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ वर्ब की जरूरत है, ठीक है। वन वर्ड देखते हैं, रोज के चार वन वर्ड अपन देखते हैं और चार फ्रेज या आइडम्स अपन देखते हैं। तो वन वर्ड है आज के, आर्मिट्रेचर, इसका मतलब होता है शौकिया, जो शौक के लिए क्रिकेट खेलता है, शौक के लिए सब कुछ करता है वो, तो हो जाएगा आर्मिट्रेचर यानी शौकिया। एम्बिडेक्ट्रोस, एम्बिडेक्ट्रोस क्या होता है, हुबे समस्त यानी दोनों हाथों से काम कर सकता है, ठीक है, एम्बिडेक्ट्रोस। थ्री डेट में है ना जो प्रोफेसर था, खड़ूस प्रोफेसर, वो दोनों हाथों से लिख सकता था वो, तो वो क्या था, एम्बिडेक्ट्रस, ठीक है। अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, दूसरों की मदद करता हो, परोपकार करता हो, उपकार करता हो दूसरों पे, तो अल्ट्रुइस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है बास्टर्ड, बास्टर्ड यानी नाजायज संस्थान, यानी कि बिना शादीशुदा दंपति के जो बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं बास्टर्ड यानी नाजायज संतान, ठीक है। आगे देखते हैं, अब यह है फ्रेज एंड आइटम्स, ठीक है। पहला है टोकन स्ट्राइक, इसका क्या मतलब होता है, सांकेतिक हड़ताल, ठीक है, टोकन स्ट्राइक यानी सांकेतिक हड़ताल। अगला है फॉल फ्यूल ऑफ, क्या होता है इसका मतलब, झगड़ा मोल लेना, किसी को नाराज करके फालतू में झगड़ा मोल ले लिया, ठीक है, वो होता है फॉल फ्यूल ऑफ, ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका क्या मतलब होता है, अनियमित रूप से, जैसे बारिश हो रही है अनियमित रूप से, और आ रही जा रही, आ रही जा रही, लाइट आ रही है जा रही है, ऐसे रुक नहीं रही, अनियमित रूप से सब कुछ हो रहा है, तो क्या होता है इसका मतलब, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब अनियमित रूप से। इनफ रूफ, इनफ रूफ इसके वर्ड से पता चल रहा है, इनफ रूफ यानी पर्याप्त, इनफ बराबर मतलब ठीक ठाक, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, पर्याप्त आज़ादी, इनफ रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आज के अपना वर्ब कंप्लीट हो गया, अब कल से अपन क्या है, अपने नाउन एडजेक्टिव और वर्ब पढ़ लिया। अब अपन ने इसके एग्जांपल्स तो करें ही साथ का, लेकिन कुछ अलग से नहीं करें, तो कल क्या अपन एग्जांपल्स करेंगे, और कल एग्जांपल करेंगे ओनली नाउन के, मैंने नाउन को कैसे अच्छे से बताया तुम्हारा लगेगा, तो आप बताना कल के वीडियो में डालूंगा कि कैसे नाउन के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कल नाउन के करेंगे, फिर एडजेक्टिव के करेंगे, फिर वर्ब के करेंगे, ठीक है। ये तीनों कंप्लीट होने के बाद अपन टीवी आईटीवी पे जाएंगे, ठीक है। और साथ में मैंने
रेलवे सीरीज भी स्टार्ट करी, उसमें अपन रेलवे के जो आर पी एफ एस आई ओ सी आई के जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए मैंने प्रिपरेशन के लिए रोज एक वीडियो डालूंगा, तो वो भी देख लेना। साथ साथ अभी इंग्लिश के चल ही रहे हैं अपने, और करंट अफेयर्स मैंने डेली का डेली डालना शुरू कर दिया, जिससे 11 का 11 को डल जाएगा, 12 को 12 को डल जाएगा, तो उनको भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, साथ साथ आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। Do like the video and subscribe the channel and share with your contacts those who are preparing for government exam.